और अब बात बच्चों के लॉकडाउन की, जो अब खत्म हो गया है क्योंकि कक्षा 6 से 8 के स्कूल खुल गए हैं। बच्चों के आने से मास्टर जी की क्लास में रौनक फिर से लौट आई है। आज बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरे पर स्कूल जाने की खुशी साफ साफ देखने को मिली। कहीं गीत गाकर जश्न मनाया गया तो कहीं संगीत बजाकर। कैसा रहा बच्चों का पहला दिन, आप इस रिपोर्ट में समझिए। खत्म हुआ बच्चों का लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज हुए गुलजार। मास्टर जी की क्लास में बच्चों की हाजिरी, ठीक एक साल के बाद कक्षा 6 से 8 तक की क्लास फिर से शुरू हो चुकी है। फिर से एक बार स्कूल कॉलेज की रौनक लौट आई है। मास्टर जी की क्लास में फिर से बच्चों की आवाज गूंजने लगी है। 11 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं। आज एक बार फिर से प्रदेश में क्लास 6 से 8 तक का संचालन शुरू हो गया। क्लासरूम्स जो सूने पड़े हुए थे, एक बार फिर से चहल पहल लौट आई। आप देख सकते हैं, हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी क्लास ख़त्म करके निकले हैं। हम इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, कैसा रहा पहले दिन का एक्सपीरियंस, क्योंकि शायद जब से इन्होंने पढ़ाई शुरू की होगी ऐसा पहली बार हुआ होगा जब 11 महीने तक उन्होंने स्कूल की शक्ल भी ना देखी हो। बहरहाल इन लोगों से बात करते हैं, इनका अनुभव जानते हैं। इसके अलावा स्कूल्स का क्या एक्सपीरियंस है वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नव्या मिश्रा। कौन सी क्लास में आप? 7C। नव्या, ये बताओ आज इतने समय बाद स्कूल आए तो डर था एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट था क्योंकि बहुत दिनों से घर में बंद थे, और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी हम लोग कर रहे हैं आज क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड्स से भी मिले, एंड वी आर एंजॉयिंग इट वेरी मच। बच्चे खुश हैं, शिक्षक भी खुश हैं, क्योंकि जो बात स्कूल में आकर पढ़ाई करने में है वो ऑनलाइन पढ़ाई करने में कहां। 8 क्लास के बच्चों को आना था, वो भी सिर्फ रोल नंबर 1 से लेके हाफ, मतलब 50% बच्चों को बुलाया गया था आज। जो भी बच्चे, अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को इसमें आना था आज। वो बच्चे भी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, और सबसे पहले तो उनको ये पहले ही बता दिया गया था कि आप अपने गार्जियन से सहमति पत्र जरूर लेकर आए। हम पूरे एक साल बाद आ रहे हैं, और स्कूल में आने से बहुत कुछ बदलाव लग रहा है। सबसे डिस्टेंस बना के रखना है। बहुत अच्छा लगा, न्यू फ्रेंडों से भी मुलाकात हुई। गोरखपुर में सरकार के बताए कोविड नियम के हिसाब से स्कूल खुले, जहाँ पहले दिन कक्षा 8 की क्लास लगी जिसमें आधे बच्चों को बुलाया गया। 11 फरवरी को क्लास 7 और 12 फरवरी को क्लास 6 की क्लास लगेगी। ये रोस्टर आगे इसी तरह से लागू होगा। आज अर्थ ए, अर्थ बी, अर्थ सी के सेक्शन के 50% बच्चों को बुलाया गया है, और तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। जैसे बच्चों को ग्रुप के माध्यम, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे थे उन ग्रुप के माध्यम से बच्चों को सूचित कर दिया गया था कि 50-50 बच्चों को आना है। जब गोरखपुर में 8वीं क्लास के छात्र स्कूल आए तो वो साथ में अभिभावक के हस्ताक्षर वाला सहमति पत्र भी लेकर आए, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, ये अभिभावक की मर्जी होगी। लगभग साल भर के बाद कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को अब सरकार के आदेश के बाद खोल दिया गया है, और आपको बता दें कि जो कोविड-19 के नियम है उसका पालन भी करना है। लेकिन बच्चों के चेहरे पे एक खुशी भी है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे अब उन बच्चों को स्कूल आने का मौका मिल रहा है। वाराणसी में बच्चों के लॉकडाउन खत्म होने का जश्न गीत गाकर मनाया गया, जहां बच्चों और टीचर्स के साथ अभिभावकों ने एबीपी गंगा के साथ अपनी खुशी गीत गाकर साझा की। आज कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम एक निजी स्कूल में मौजूद हैं। तैयारियां देख लीजिए, यहाँ पर सैनिटाइजर रखे गए हैं, और साफ तौर पर यह आदेश दे दिया गया है कि कोई भी बिना मास्क के यहाँ पर प्रवेश न करें। आप देखिए, यहाँ पर अभिभावक भी पहुँचे हुए हैं, और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले इनसे इनका उत्साह जान लेते हैं, जो आज 11 महीने बाद कक्षाओं में आने पर हो रहा है। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम सूर्यांश है। इतने दिनों बाद आज अपनी क्लास में पहुँचे हो आप, किस तरह का उत्साह, कैसा हो? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी, कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन क्लास में पहुंच के आज अच्छा लगा कि पढ़ाई हुई है, आज ऐसा लगा।
वहीं संगम नगरी प्रयागराज में तमाम स्कूलों में ज्यादातर बच्चे स्कूल खोलने की खुशी में चहकते हुए नजर आए और बड़े ही उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। प्रयागराज की रानी रेवती देवी स्कूल के बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर ढोलक और हारमोनियम की धुनों पर गीत गाकर स्कूल खोलने का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में छठवीं से आठवीं तक के स्कूल आज एक बार फिर से खुल गए हैं। तकरीबन 11 महीने के बाद ये स्कूल खुले हुए हैं। इसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। विद्यालयों ने भी काफी तैयारियां की हुई हैं। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। बच्चों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि 11 महीने के बाद जब बच्चे स्कूल आए हैं तो किस कदर उत्साहित हैं बच्चों ने, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर एक खास गीत तैयार किया हुआ है कि नई सुबह आई है। 11 महीने के बाद ये नई सुबह आई है। बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान श्रावस्ती में भी देखने को मिली, जहां स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन के सारे इंतजाम किए गए। हाथ सैनिटाइज और मास्क लगाने से लेकर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई। टोटल बच्चे तो नहीं आए हैं, हमने सहमत पत्र इकट्ठा कर लिया है बच्चों का, कुछ बच्चों का, उसमें से कुछ बच्चे आए हैं। आज पहला दिन है तो हमने सैनिटाइज किया है, बच्चों को मंगाया है, मास्क मंगाया है, मास्क दिया है। वहीं चंदौली में ऑनलाइन पढ़ाई के बाद लाइव पढ़ाई को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों को जितनी खुशी स्कूल जाने की थी उतनी ही अपने दोस्तों से मिलने की थी। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम ऑनलाइन पढ़ते थे, अब टीचर हम लोग को लाइव पढ़ाएंगे। सर बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती ही थी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन अब स्कूल खुल गया है तो और अच्छे से पढ़ाई होगी। हम गौरतलब है करीब एक साल के बाद कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुले हैं। हालांकि अभी स्कूल खुलने को लेकर कई नियम और कायदे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा स्कूल में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फिर सब कुछ पहले की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।